चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ नया कुछ बढ़िया सा लेके आई हूँ, जो कि है हरे भरे मटर के पराठे की रेसिपी। ये हरे भरे मटर हमारे इन ठंडियों के टाइम पे काफी अच्छे से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, काफी बढ़िया भी लगते हैं खाने में। तो इन हरे भरे मटर के पराठे की रेसिपी, आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। आटा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसे अच्छी तरीके से गूंदना। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी पराठा या पूड़ी बनाने के लिए हमें उसका आटा अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो आटे को हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस तरीके से जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ इस तरीके से आप गूंथिए। आटा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, उसकी रोटियाँ पराठे पूड़ी सभी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइम देके आटे को गूंदो तो काफ़ी अच्छा आटा लगता है। आटा लगाने के बाद इसमें हमने 1 स्पून घी लगा दिया और घी लगाने के बाद इसे ढक के रख देना है। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा डालेंगे लहसुन और 3-4 डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन को अच्छी तरीके से तड़क जाने देना। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मटर। मैंने 1 कटोरी मटर लिया है, इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। थोड़ी देर में इसे ढक देंगे जिससे कि अच्छे से पक जाए। पकने के बाद इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में चला लेंगे। मिक्सी जार में इसे चलाते टाइम इसे थोड़ा बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे। इसे एकदम से नहीं पीसना, क्योंकि एकदम पिसा हुआ वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मटर का स्वाद से लगता ही नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर कम करने के लिए हम इस पर डालेंगे 2 चम्मच बेसन और धनिया। उसे हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जो मटर के दाने हैं ना, जो बीच बीच में जो बड़े बड़े हैं, उसे हम हाथ से ही मसल देंगे जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमारा जो आटा था 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए छोड़ा था, उसे फिर से गूंथेंगे। अच्छी तरीके से उसे हाथ से गूंथते जाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा हो गया है ना, घी लगाने से काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा आटा बन जाता है। तरीके से अब हम आटा लगा लिए। अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा पेड़ा, जैसा आप पराठा बनाना चाहें वैसा बना लें। अब यहाँ पे एक कटोरी टाइप का बनाएंगे, जैसे चारों तरफ से उसे थोड़ा सा उठाते हुए कटोरी नुमा आटा का पेड़ा बना लेंगे। अब इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे भी थोड़ा सा गोल गोल करके उस पर रखेंगे और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा आटा उठाएंगे और ऊपर से इसे घुमा के ट्विस्ट कर देंगे। जिस तरीके से हम मोमोज बनाते हैं बस उस तरीके से ऊपर से घुमा के और उसमें चिपका देंगे, जिससे कि हमारी स्टफिंग बाहर बिल्कुल ना निकले। अब इसे सूखे आटे में पूरा लपेटेंगे और इसे इस तरीके से हल्के हाथों से इसे बेलना है। एकदम से प्रेशर बीच में देके नहीं बेलना, साइड साइड में इसमें चारों तरफ से बेलन को चलाना है, जिससे कि हमारे चारों तरफ से एक सा बेले और बीच में इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और इस तरीके से हम चारों तरफ से जब हम बेलन को लेके बेलेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी पतला और काफ़ी बढ़िया पराठा बन जाएगा। ये देखिए मैं कितना बड़ा सा पराठा बना रही हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सा मैंने पराठा बनाया है। इसे तवे पे डाल देंगे। मैं दूसरा भी आपको बताती हूँ। आप क्या है ना कि अगर आप अच्छे से इसको स्टफिंग को भरेंगे और भरने के बाद इसे बेलने का जो तरीका है ना, अगर आप बेलन को जो है उसको थोड़ा सा साइड से प्रेशर देके बेलेंगे ना, तो आप कितना भी बड़ा पराठा और कितना भी पतला पराठा बनाएंगे ना, कभी भी आपकी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। बस इसके बेलने पर ये ध्यान है कि हल्के हाथों से हमें बेलन लगाना है, एकदम तेज से नहीं, तो आप बहुत ही पतला पराठा बना सकते हैं आसानी से। और इसे थोड़ा सा हाथ से भी हमने बड़ा बना लिया है। और अब देखिए
मेरे विलन चलाने का तरीका देखिए आप, इस तरीके से मतलब साइड साइड से मतलब इक्वल रहना चाहिए, मतलब बराबर रहना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से मोटा हो रहा है कहीं से पतला हो रहा है, ऐसा नहीं। ये देखिए मेरे चौकी के बराबर का मेरा पराठा है, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े पराठे ही बनाती हूँ, आप चाहे तो छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। अब इसे क्या करना है कि बिना ऑयल के ही दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। इससे क्या होता है ना कि अगर हम पराठे को पहले बिना ऑयल के दोनों तरफ से सेक लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा पराठा बढ़िया से सिकता है, और इसके बाद जब हम ऑयल या घी लगाते हैं तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनता है पराठा। अब मैं इसको चम्मच की सहायता से ही घी लगाती हूँ, जैसे थोड़ा सा घी लिया और पूरे चम्मच की सहायता चारों तरफ से फैला दिया, जिससे कि इस जो चम्मच का प्रेशर भी पड़ता है तो ये चारों तरफ से अच्छे से करारा और एक सा सिकता है। ये देखिए आप मेरा पराठा देख रहे हो ना, चारों तरफ से एक सा पराठा सिका है, और कहीं बिल्कुल भी तवे पे तेल नहीं रह जाता, बहुत अच्छे से सिकता है। ये देखिए आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से एक सा सिका है, बढ़िया सिका है। इस तरीके से हमें पराठे सेकने हैं, पहले बिना तेल के अच्छे से दोनों तरफ से सेक लो, उसके बाद घी या तेल लगा के सेको तो पराठे काफ़ी अच्छे सिकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे ना कि पराठे में मतलब हमें जो बेलना है उसको हल्के से बेलना है, तो आप कितना भी बड़ा कैसा भी पराठा है ना, कितना बड़ा पतला पतला पराठे बना सकते हैं। और मटर के पराठे पतले पतले खाने के ना कुछ और ही मज़े हैं, तो पतले पराठे का भी एक अपना आनंद है। ये देखिए मैं देखो मैं कितना फास्टली बेल लेती हूँ, और मतलब मुझे पराठा बनाना रोटी जैसे ही लगता है। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। और मेरे सारे पराठे बनके रेडी हैं, ये देखिए मैं बड़े बड़े बनाती हूँ और उसको फिर मैं उसके चार पीसेस कर लेती हूँ, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी, और इजी भी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं धनिया वो चटनी बताती हूँ हरे धनिया की, तो उसमें हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, 3-4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और थोड़ा सा नारियल डालेंगे, और उसके बाद हम जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे। इसे एक बार चला लेंगे मिक्सी जार को, और ये देखिए इसे गरम गरम पराठे को हरी चटनी के साथ और सॉस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस ठंड में ये हरे भरे पराठे खा के। देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट में इसको बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन आने में नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।